हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज सब लोग जा रहे हैं, हम लोग मेले में जा रहे हैं घूमने। यहाँ पर पास में, घर के पास में मेला लगा हुआ है। सब घर के बच्चे और बड़े सब लोग जा रहे थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम वॉक करते हुए जा रहे थे। और ये रात का टाइम है, छठ का मेला है, ये छठ का घाट लगता है यहाँ पर। तो हम लोग इस टाइम जा रहे हैं, करीब 8 बज रहे हैं और शाम के 8 बजे हुए हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं। डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी लगी हुई है। मेरे घर के दरवाजे से ही लाइटिंग लगी हुई है। यहाँ पर जा रहे हैं और सारे बच्चे भी हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ झूले वूले भी लगता है, तो सब वैसे कोई तैयार वैर कोई नहीं है, बस घर वाले ही कपड़े में सब जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथ में निकले थे हम लोग, बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं यहाँ पर। रात के टाइम में रहते हैं, गैड भी जा रहा है भाई। इसके लिए तो पहले फर्स्ट टाइम है ऐसा कोई मेला या कुछ। एक्साइटेड भी है, और देख लीजिए कैसे जल्दी जल्दी जा रहे थे रखने का। ये है एंट्रेंस, जो घाट का जो बनता है साइड में मेन गेट है ये। यहाँ पर पूरी लाइटिंग वाइटिंग अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है। अच्छा वो वाला आता है ना, वहाँ चलो पैसा भी नहीं लाएंगे जल्दी जल्दी, खाली हाथ दूसरे के भरोसे आ जाए। वो जो राजू फास्ट फूड है ना, उनका मोमोज स्प्रिंग रोल लगता है ना, तो हम हमें दोस्त को भी आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा फ्राइड वाला देते हैं, काफी अच्छा। आगे होंगे लोग अभी हम। तो यहाँ पर कुछ बलून्स और ये सब मिल रहे हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और गेट के सामने ही लगा दिए हुए हैं, तो स्टार्टिंग से ही बच्चे एकदम खरीदने के लिए शुरू हो गए। और काफ़ी शोर हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉल्यूम म्यूट कर दिया है। यहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ प्राइस का भी है। इसमें भैया वही दिखा रहे हैं कि उनकी दुकान की साइकिल भी है यहाँ पर, वो लोग साइकिल भी प्राइस में रखे हैं यहाँ पर। फिर हम इधर जा रहे हैं जो घाट वाला एरिया है, जिधर पानी वाला एरिया है। और यहाँ सफाई भी हो रही है सुबह के लिए, सुबह वाले घाट के लिए। तो यहाँ पर जगह जगह पूरे जो कूड़े ये सब लगे हुए हैं, सफाई चल रहा है यहाँ पर। और बाकी सब लोग घूमने जो आए हैं यहाँ पर, जो देख देख के जा रहे हैं, हम लोग भी आए यहाँ पर। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है, ये कितना अच्छा लाइटिंग इसमें हो रखा है। और इधर पूरा अभी कहीं कहीं सफाई हुई है अभी, कहीं और बाकी बचे हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये आने जाने के लिए वॉकिंग वाला एरिया बनाया हुआ है, और दोनों साइड बैठने के लिए बना हुआ है, जब मतलब घाट पे लोग जब आएंगे पूजा के लिए। अभी तो रात के टाइम सब घूमने आए हैं, तो इसलिए ये पूरा एरिया एक जैसा लग रहा है, बट सुबह के टाइम ये ऐसा नहीं दिखेगा। फाइनल चल रहा है, न्यूजीलैंड का ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। किधर गया?
यहाँ पूरा स्क्रीन भी लगा हुआ है, वर्ल्ड कप मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ पर ये पूरी देखिए ये वाला मेन जो पूजा वाला एरिया है, ये पानी जो यहाँ पर है, नदी जो यहाँ पर रहती है उसमें पूरा पूजा होता है, तो यहाँ पर पूरा वो बनाया गया है इनका। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पर छठ वाले गाने भी चल रहे थे यहाँ पर, और काफ़ी शोर हो रहा था इसलिए मैंने वॉइस को बीच बीच में म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर ये हम लोग यहाँ से देख के अब हम वापस होंगे। इधर यहाँ झूले का एरिया है, तो यहाँ पर माहम और मरियम दोनों बैठे हुए हैं। मरियम की वजह से माहम को इसमें बैठना पड़ा, वो इसमें नहीं बैठना चाह रही थी, दूसरे वाले में, बट दोनों बैठे हुए हैं, काफ़ी खुश भी हैं। मरियम तो काफ़ी खुश हो गई है इसमें बैठ के, बीच बीच में बाय भी हो रहा है मरियम बाय। पर यार ये वाला छोटा सा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर झूले नहीं होते हैं, बट थोड़े बहुत होते हैं जो अच्छा लगता है। यहाँ पर जो हम लोग भी झूले में बैठेंगे अभी, तो ये लोग पहले हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे वाले झूले में बैठेंगे। इस वाले झूले में बैठेंगे, इसलिए बुकिंग काउंटर है इसका, ये टिकट है इसका 50 रुपीज़ का पर हेड है। अब हम बाकी सब लोग इसमें बैठने वाले हैं, सब देखिए ये यहाँ पर ये ऑपरेट करने वाले हैं नीचे, हम लोग वेटिंग एरिया में खड़े हैं अभी। ये अभी सीट खाली नहीं थी इसलिए हम बैठ नहीं पाए हैं, सीट खाली होगी फिर नेक्स्ट वाले राउंड में हम बैठेंगे। और ये ऑपरेट करने वाले हैं इसमें कुछ नाहिद मनहा भाभी बैठे थे इसमें, मरियम भी बैठ गई थी, माहम और नौरिन दोनों बैठे हुए थे। हम लोग इसके नेक्स्ट वाले राउंड में बैठेंगे, तो हम इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा फुल हो चुका था, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, ज़्यादा झूले लगे नहीं है इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम बैठ गए हैं, माहम को हमने दोबारा बैठा लिया था और हम लोग बैठे हुए हैं, अभी स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। जब तक हमने फ़ोटोशूट भी कर लिया और उसके बाद फिर मोबाइल को अंदर रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुका है ये।